कालापीपल में आज विधायक कार्यालय पर आशा उषा एवं आशा सहयोगी संघ अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर विधायक कुणाल चौधरी को ज्ञापन सौंपा। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि 2000 में हमारा परिवार नहीं चलता, हमारी तनख्वाह कम से कम 10,000 रुपए होना चाहिए एवं सरकार द्वारा हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। वह कई बार भोपाल शाजापुर में अपनी मांगे रख चुकी है मगर सरकार उनकी नहीं सुनती। इन्हीं सब बातों को लेकर आज आशा कार्यकर्ताओं ने भूख हड़ताल कर विधायक कार्यालय पर जाकर अपना रोष व्यक्त किया, जिस पर विधायक कुणाल चौधरी ने उन्हें आश्वस्त किया कि वह विधानसभा में भी आपकी मांगों को उठाएंगे एवं वह हमेशा आशा कार्यकर्ताओं बहनों के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। वे आशा कार्यकर्ताओं के साथ जहां भी धरना प्रदर्शन होगा वहां पर उनके साथ बैठकर जेल जाने तक को तैयार है। ये सब बातें विधायक कुणाल चौधरी ने आशा बहनों से कही। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। काला पीपल से राजू विजय शर्मा की रिपोर्ट। तो ये तो जनता क्या क्या है, आशा है पर्यवेक्षक कार्य को तो शासकीय कर्मचारी आशा कार्यकर्ता को न्यूनतम 18 और आशा को 26,000 दिया जाए वो भी 90,000 आशा कार्यकर्ता की जिस प्रकार से एक झूठ बोलने वाले व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पे काबिज है, लोग रोज लोगों का शोषण कैसे करा जाए, इस ओर सरकार रोज काम करने का काम करती है, माफिया तंत्र को संरक्षण देती है, गरीबों का शोषण करने का काम करती है। सरकार के पास विधायक खरीदी के पैसे हैं, भ्रष्टाचार से पैसे निकाल के विधायकों को 50-50 करोड़ में खरीदने के पैसे हैं, सरकारें बनाने के लिए पैसे हैं, पर आशा उषा सहयोगिनियों की वेतन वृद्धि के लिए पैसे नहीं है। महंगाई चरम पे बढ़ती जा रही है, गैस की टंकी 400 से बढ़ के 1,100 हो गई, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने का काम हो गया, जो राशन पहले 1,000 रुपए में आ जाता था वो 5,000-5,000 रुपए के अंदर आ रहा, बिजली के बिल बढ़ते जा रहे और दिन रात कड़ी मेहनत करने के बाद हर काम कभी हो तो आशा को बता दो, उषा को बता दो, इनसे सर्वे करा लो। कोविड की महामारी में जो काम इन्होंने किया मैं सल्यूट करूंगा कि जिस तरीके से जान जोखिम में डाल के जहां सरकारी तंत्र के बड़े बड़े अधिकारी जाने में घबरा रहे थे वह